नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के बारे में। ये नवंबर है और इस वक्त मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ। देखिए यहाँ के हालात, ये कोई हिल स्टेशन की फॉग नहीं है, ये ख़तरनाक जहरीली हवाएँ हैं दोस्तों, जो हार्मफुल केमिकल से भरी पड़ी हैं, सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर का यही हाल है इस वक्त, प्रदूषण का स्तर बहुत ही गंभीर है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ एक महीने में कैसे साफ सुथरी हवाओं ने जहर का रूप ले लिया। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मिड सेप्टेम्बर की हैं। देखिए कितना साफ है मौसम, विजिबिलिटी भी कितनी बढ़िया है। सितंबर महीने में मौसम बहुत बढ़िया था। और ये देखिए वही जगह है, लेकिन महीना है अक्टूबर। प्रदूषण अब आप देख सकते हैं अक्टूबर के महीने में। और ये है नवंबर, वही जगह, लेकिन देखिए नवंबर में इस वक्त प्रदूषण का स्तर बहुत ही ख़राब है। स्मॉग की भारी परतें हैं, बहुत ही जहरीली हवाएं हैं जो आपको बीमार कर सकती हैं। विजिबिलिटी बहुत पुअर है। पूरे दिल्ली एनसीआर का इस वक्त यही हाल है। हवा, पानी, नदियां सब प्रदूषण का शिकार हैं। और ये अगस्त की तस्वीरें हैं जब पोल्यूशन बहुत कम था। तो सरकारों से उम्मीद करते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपया जो पोल्यूशन कंट्रोल के नाम पर एलोकेट होता है, उसका सही इस्तेमाल करें और लोगों को चैन की सांस मिले।